सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हो मिस्टर टेकी। तो दोस्तों फाइनली आज मैं लेके आया हूँ मैं सिर्फ बैटरी चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन। इस बार मेरे पास 5 डिवाइस है यहाँ पे, एक है ऑनर 8, दूसरा है मेरे पास शाओमी MI A1, तीसरा है मेरे पास OnePlus 5T और चौथा डिवाइस है मेरे पास Honor 7X और हमारा लास्ट डिवाइस है Samsung Galaxy J7 Pro। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि यार आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, मुझे यकीन ही नहीं आता वो 5000 लाइक से भी ज्यादा पार कर चुकी है और आने वाले टाइम में तो ऐसा लगता है कि वो 10,000 लाइक भी पार कर देगी। तो दोस्तों सिर्फ ही आप ही का सपोर्ट है और आप ही का प्यार है जो मुझे, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। तो होप दोस्तों इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें इन पांचों फोन में लगी बैटरी के साइज की, तो ऑनर 8 के अंदर लगी है 3000 mAh की बैटरी और शाओमी MI A1 में लगी है 3080 mAh की बैटरी और OnePlus 5T के अंदर लगी है 3300 mAh की बैटरी और ऑनर 7X में लगी है 3340 mAh की बैटरी और Samsung Galaxy J7 Pro में लगी है 3600 mAh की बैटरी। तो दोस्तों इनके चार्जर की आउटपुट रेटिंग और बैटरी का साइज मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। अब फाइनली दोस्तों मैंने सेटअप को तैयार कर लिया है। स्टॉपवॉच के लिए मेरे पास यहाँ पे है Infinix 05। तो सबसे पहले मैं पावर को ऑन कर देता हूँ और साथ में स्टॉपवॉच को भी। तो दोस्तों अब 1 घंटे बाद आके देखेंगे कि पांचों फोन के अंदर कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों यहां पे स्टॉपवॉच के अंदर 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब चेक करते हैं कि पांचों फोन के अंदर कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों पांचों फोन अब स्विच ऑन हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑनर 8 के अंदर कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों ऑनर 8 के अंदर 73% बैटरी चार्ज हो चुकी है 1 घंटे 2 मिनट के अंदर। अब चेक करते हैं MI A1 को। तो दोस्तों MI A1 59% चार्ज हो चुका है। अब चेक करते हैं OnePlus 5T को। तो दोस्तों 94% बैटरी चार्ज हो चुकी है 1 घंटे 3 मिनट के अंदर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 10 मिनट बाद OnePlus 5T पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑनर 7X में कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों ऑनर 7X के अंदर 55% बैटरी चार्ज हो चुकी है। अब लास्ट चेक करते हैं Samsung Galaxy J7 Pro को। तो दोस्तों 49% बैटरी चार्ज हुई है Samsung Galaxy J7 Pro के अंदर। तो दोस्तों ऑनर 8 काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5V 2A के चार्जर के आउटपुट रेटिंग के साथ भी 74% चार्ज हुआ है और जबकि MI A1 के चार्जर के आउटपुट रेटिंग भी सेम है, वो सिर्फ 61% चार्ज है। दोस्तों मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कि कौन कितना 1 घंटे के अंदर चार्ज हुआ है। तो दोस्तों वेट करते हैं कि OnePlus 5T कितनी देर के अंदर 100% चार्ज हो जाता है और बाकी सबको भी हम देखते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के इंटरवल। तो राइट दोस्तों 1 घंटे 22 मिनट के अंदर OnePlus 5T 100% चार्ज हो चुका है। तो जैसा कि मैंने कहा था 1.5 से 1.5 घंटे के बीच में ये पूरा 100% हो जाएगा, तो 1 घंटे 22 मिनट के अंदर ये पूरा चार्ज हो चुका है। तो राइट दोस्तों 1 घंटे 53 मिनट के अंदर MI A1 ने लीड ले ली है, 99% चार्ज हो चुका है और ऑनर 8 98% चार्ज है। तो देखते हैं कि और कितनी देर लगती है इन दोनों को 100% होने में। तो राइट दोस्तों 1 घंटे 55 मिनट के अंदर MI A1 100% चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों ये रेस में आगे निकल गया है ऑनर 8 से, अब जाके 99% चार्ज हुआ है ऑनर 8। तो दोस्तों 1 घंटे 69 मिनट के अंदर, तो दोस्तों अप्रॉक्स 2 घंटे के अंदर ऑनर 8 भी पूरा 100% चार्ज हो चुका है।
तो इसने 5 मिनट ज्यादा लिए MI A1 से पूरा चार्ज होने में। तो दोस्तों अब हमारे पास सिर्फ दो ही डिवाइस रह गए हैं, एक Honor 7X और Samsung Galaxy J7 Pro। तो चलिए कि देखते हैं कि ये दोनों में कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं Honor 7X के अंदर 88% बैटरी चार्ज हो चुकी है और J7 Pro में भी सेम 88% बैटरी चार्ज हो चुकी है 2 घंटे 1 मिनट के अंदर। तो दोस्तों यहां पर 2 घंटे 30 मिनट के अंदर Samsung Galaxy J7 Pro 100% पूरा चार्ज हो जाता है। और चेक करते हैं कि Honor 7X में कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है। तो दोस्तों Honor 7X के अंदर 97% बैटरी चार्ज हो गई है 2 घंटे 31 मिनट के अंदर। तो फोन तो बता रहा है कि वो 12 मिनट के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा, बट देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है इसको चार्ज होने में। सिर्फ एक ये लास्ट डिवाइस रह गया हमारे पास, बाकी सारे पूरे 100% चार्ज हो चुके हैं। तो राइट दोस्तों 2 घंटे 47 मिनट के अंदर Honor 7X भी 100% पूरा चार्ज हो चुका है। तो दोस्तों अगेन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कौन सा फोन कितनी देर में चार्ज हुआ था। सबसे पहले चार्ज हुआ OnePlus 5T 1 घंटे 22 मिनट के अंदर, उसके बाद चार्ज हुआ Xiaomi MI A1 1 घंटे 55 मिनट के अंदर, उसके बाद चार्ज हुआ Honor 8 2 घंटे के अंदर, और उसके बाद चार्ज हुआ Samsung Galaxy J7 Pro 2 घंटे 30 मिनट के अंदर, और सबसे लास्ट में चार्ज हुआ है Honor 7X 2 घंटे 47 मिनट के अंदर। दोस्तों OnePlus 5T को तो चार्ज जल्दी होना ही था क्योंकि इसके जो चार्जर की आउटपुट रेटिंग है वो है 5V 4A की। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे Samsung Galaxy J7 Pro ने अच्छा परफॉर्म किया है, 3600 mAh की बैटरी है और इसके चार्जर की आउटपुट रेटिंग भी कम थी 5V 1.55A की, और Honor 7X के चार्जर की आउटपुट रेटिंग थी 5V 2A की और इसकी बैटरी थी 3340 mAh की। तो इस हिसाब से इसको पहले चार्ज हो जाना चाहिए था Samsung Galaxy J7 Pro से। तो दोस्तों ये थी वीडियो इन पांचों डिवाइस के बैटरी चार्जिंग टेस्ट की। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार। नो डाउट आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। होप इस वीडियो को भी आप 5000 लाइक्स के मार्क तक पहुंचा दो। और अगर आप दोस्तों ऐसी कोई और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा वो वीडियोस बनाने की। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।